फिर से स्वागत है मेरे चैनल रोबस्ट बाज़ार पे आपका। हमेशा की तरह हम काफ़ी सारे कॉल्स पे अपनी एक राय देते हैं, ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे रडार पे है इन्फोसिस लिमिटेड। अब इन्फोसिस में आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 वीक का चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। अब एक शानदार रैली के बाद स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली और उसके बाद गैप डाउन के बाद ये स्टॉक बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है स्टॉक में। अब इस स्टॉक में हमें एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है। इस स्टॉक में हालांकि हम करंट लेवल से बाई कर सकते हैं और हमें सबसे पहला एक लेवल देखने मिल सकता है इस स्टॉक में 1683 के आसपास का। सबसे पहला हमारा टारगेट 1683 का देखने मिल सकता है, तो इस स्टॉक को हम करंट लेवल से लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। इस स्टॉक में 1683 का लेवल टूटने के बाद इसमें आपको 1933 के नेक्स्ट टारगेट देखने मिल सकते हैं, जो उसका एक 52 वीक हाई हो सकता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इन्फोसिस में नज़र रखनी है। ये काफ़ी अच्छा एक पैटर्न यहाँ पे जनरेट हो रहा है इन्फोसिस में, तो हमारे हिसाब से इन्फोसिस को बाय करके चलना चाहिए। सेकेंड स्टॉक हमारे रडार पे है IEX। अब IEX के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि बायबैक का इनने अनाउंसमेंट कर दिया है कंपनी ने। अब इसमें जो प्राइस रखी गई वो 200 रुपीज़ पर शेयर, स्टॉक की जो प्राइस चल रही 150 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर 200 रुपीज़ का इनने प्राइस डिक्लेयर किया। 98 करोड़ का बायबैक प्लान है जिसमें 49 लाख शेयर बायबैक करेगी कंपनी। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया, बायबैक का एक मैंने वीडियो अलग से पोस्ट भी किया हुआ था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप शेयर्स बायबैक क्या होता है उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे एक बायबैक का अनएक्सपेक्टेड IEX को फ़ायदा मिल सकता है। IEX के शेयर्स में काफ़ी एक लंबी उछाल आ सकती है। जैसे ही किसी कंपनी ने अगर बायबैक का प्लान जैसे ही लॉन्च करती है, तो वहाँ से क्या होता है, इनके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से जो कंपनी 46 लाख शेयर कम कर लेगी, तो उससे क्या होगा, EPS में सुधार होगा और एक अनएक्सपेक्टेड जो प्राइस में एक उछाल आना चालू होगा। तो मुझे लगता है करंट स्तरों से हम IEX को बाई कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आपको बाई करना है तो 153 का जैसी लेवल टूटता है तो IEX में आप एक फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। इसमें नेक्स्ट टारगेट आपको 165 रुपये के नियरेस्ट टारगेट देखने मिलेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड में, और उसके बाद आपको फिर इसमें 175 तक के टारगेट जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये स्टॉक वापस 190 या 198 तक के स्तरों तक वापस जा सकता है एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम अपना एक जो टारगेट रखें वो 175 का बेहतर समझ में आता है। स्टॉक हमारे रडार पे है JK सीमेंट। हम JK सीमेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, काफ़ी प्रीमियम स्टॉक है और काफ़ी दिक्कत स्टॉक है अपने सेक्टर का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पैटर्न्स के साथ ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपने पिछले हाई को तोड़ा है। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम इस पॉइंट पर रखें तो 2986 का इसने एक ब्रेकआउट दिया और स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 3014 के आसपास। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने, और ये स्टॉक ने बिल्कुल निचले स्तरों से एक काफ़ी अच्छा उछाल दिया है। 2400 रुपये के लेवल से फिर वापस स्टॉक 3000 के आसपास आया है। 3000 को क्रॉस करने के बाद अब इस स्टॉक में मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव आने की संभावना यहाँ पे देख सकती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इसका जो टारगेट देखने मिलेगा 3095 के आसपास का। 3095 का ब्रेकआउट होने के बाद इस स्टॉक में और लंबी आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं 3160। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर स्टॉक है। इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो आप इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं आगे लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारे रडार पे है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। नो डाउट इस स्टॉक को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, काफ़ी समय तक मैंने इस स्टॉक को कवर किया हुआ है जब ये 89-90 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था। आज इस स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट कर लिया है, जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 138.32। तो ये टेस्ट कर चुका है, अब इस स्टॉक में एक अच्छी दमदार मूव आने की संभावना दिखती है। अगर ये स्टॉक आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी में भी मिलता है तो भी बिल्कुल ख़रीदा जा सकता है इस स्टॉक को। इस स्टॉक में अगर 132-130 रुपये का भी लेवल अगर आता है नीचे यहाँ से, तो आप इसमें एक्यूमुलेट करके चलें। अगर आपने पहले से अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ स्टॉक, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाएं। इस स्टॉक में एक धमाकेदार तेज़ी देखने मिल सकती है। नेक्स्ट टारगेट इसके ऑलमोस्ट 147 के हमें देखने मिल सकते हैं इन दी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को भी आप नज़र में रखें।
खराब रिजल्ट्स के कारण काफ़ी चर्चाओं में रहा बंधन बैंक, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। अब बंधन बैंक में देखा जाए तो फिलहाल इसकी क्लोजिंग हुई 219 रुपये के आसपास। इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश बाइंग आफ्टर 225 के बाद आनी चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसमें 250 के देखने मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी कन्फर्मेशन श्योर नहीं है। तो आप इस स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। इस स्टॉक को अगर आपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, फिलहाल अभी कोई भी एवरेज या फ्रेश बाइंग बनाना इसमें काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो फिलहाल इस स्टॉक से थोड़ी सा दूरी बना के रखें। इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट आने की संभावना बन सकती है इन स्तरों से। स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे हमारे रडार पे है हिंडाल्को। अगर हिंडाल्को को अगर हम एक ट्रेंड लाइन के साथ ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि एक इसी ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हुए ये स्टॉक एक अप ट्रेंड के मूव में है, और यहाँ से मुझे लगता है कि कल के दिन इसमें टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, सबसे पहले 447 के। फिलहाल के रेट में 440 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। अब 447 का जैसे ही लेवल ब्रेक होता है तो इट मीन स्टॉक में हमें एक और मूवमेंट दिखेगी अप टू 460 के आसपास तक। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टारगेट हमारा निकलता है वो 448 और उसके बाद फिर हमारा 460। अब 460 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तो यहाँ पे बायर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और इस स्टॉक में एक 500 रुपये तक की रैली आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे रखना है हिंडाल्को पे भी नज़र आपको। नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट स्टॉक है हमारा मन्नापुरम फाइनेंस। अब मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया था अभी कुछ दिन पहले, एक से दो दिन पहले की बात होगी, जिसमें मैंने इसका स्टॉक एनालिसिस किया था इस स्टॉक के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर। तो उस वीडियो को जाके भी आप चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है, और इस स्टॉक में थोड़ी सी जो मोमेंटम है वो स्लो मोमेंट आती है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक है और एक अच्छा शानदार स्टॉक है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस इस स्टॉक में काफ़ी ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया इसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देके जाएगा। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 175 का पहला स्तर दिखा सकता है। अगर एक से डेढ़ साल का टाइम पीरियड देते हैं मन्नापुरम फाइनेंस में, तो आप उस वीडियो को भी जाके चेक कर लें। तो ये था आज के सारे स्टॉक्स, कल फिर मिलेंगे और कल दूसरे स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।